and presence lectures medical basics advanced treatment practical experiences and more subscribe now and learn more um, welcome student today's lecture talk about introduction to the microbiology तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोबालॉजी ठीक है ना माइक्रोबालोजी की डिफिनेशन किया है ठीक है सबसे पहले ये जो माइक्रोबालॉजी वर्ड्स है ना ये मुश्तमल होता है तीन अल्फाज पे ठीक है ना ये मुश्तल होता है तीन अल्फाज पे माइक्रो बायो एंड लॉजी ये तीन अल्फा मजमू है माइक्रोबालॉजी वर्ड सही है ना अब माइक्रो का मतलब क्या है माइन्यूट या ठीक है ना बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब स्टडी है ठीक है ना सो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है ना तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ठीक है ना इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ठीक है ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनको हम आई से नहीं देख सकते ठीक है ना बल्कि उनको देखने के लिए हम किसकी किसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का ठीक है ना सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन नेकेडाइज ठीक है ना उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे ठीक है ना अब माइक्रो ऑर्गेजम की एग्जांपल्स क्या है माइक्रो ऑर्गेजम की एग्जांपल्स में आपके बैक्टीरियाज आ गए वायरस आ गए फंजाई आ गए, एल आ गई प्रोटोजोआ आ गए और यीस्ट सेल आ गए ठीक है ना दे आर आर एग्जैम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी को हमने दो मेजर डोमेन में डिवाइड किया है एक को हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और दूसरे को हम अपलाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ठीक है ना अब प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आएंगी बैक्टेरियालॉजी वायरोलॉजी प्रोटोजोआलॉजी इम्यूनोलॉजी माइकोलॉजी फाइकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी ठीक है ना अब बैक्टेरियालॉजी हमने किसे कहा था बैक्टेरियालॉजी इज स्टडी अबाउट बैक्टीरिया वायरोलॉजी स्टडी अबाउट वायरस प्रोटोजोआलॉजी स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ जैसा कि हमने बात की थी प्रोटोज कौन कौन से हैं अमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया यूगलना हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया ठीक है ना और उसके बाद स्टडी अबाउट अम्यूनिटी इज कार्ल्ड अम्यूनोलॉजी ठीक है ना स्टडी अबाउट फंजाई इज़ कार्ल्ड माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी इज द स्टडी अबाउट एल जी ठीक है ना एल जी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम फाइकोलॉजी कहेंगे और लास्ट वन इज जो है ना पैरासाइटोलॉजी है स्टडी अबाउट पैरासाइट्स ठीक है ना अब जो सेकंड डोमेन थी माइक्रोबायोलॉजी की दैट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी तो उस डोमेन के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं माइक्रोबायोलॉजी की मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ठीक है ना ये आप लोगों की अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के डोमेन में आएंगे अच्छा अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी ठीक है ना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगी ठीक है ना उनके बारे में हम आ, बात करते हैं तो सबसे पहली जो टर्म है वो है पैथोजन ठीक है ना अब एक्चुअली पैथोजन हम किसको कहते हैं पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डिजीज इन अ होस्ट ठीक है ना तो पैथोजन हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ठीक है ना या उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो क्या करें डिजीज काज करें डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं पैथोजन कहते हैं ठीक है ना अब पैथोजन की एग्जाम्पल क्या है पैथोजन की एग्जाम्पल जो है ना वो बैक्टीरिया है फंजाई है वायरस है प्रियॉन्स हैं प्रोटेस्टा हैं और पैरासाइट्स हैं ठीक है ना ये सारे किसकी एग्जाम्पल्स हैं पैथोजेंस की ठीक है ना क्योंकि ये सब क्या काज करते हैं डिजीज काज करते हैं ठीक है ना सो आल पैथोजेंस काज डिजीज इन आस ठीक है ना तमाम पैथोजन डिजीज काज करेंगे ठीक है ना अब सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है वो है पैरासाइट ठीक है ना अब पैरासाइट किसको कहेंगे पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन आर ऑन एनदर स्पीशीज आर क्रिएचर एंड ऑपटेन फूड एंड शेल्टर्स विदाउट बेनिफिटिंग दैम ठीक है ना बट रेदर हार्मिंग द होस्ट ठीक है ना तो पैरासाइट हमने क्या कहा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म को कहा जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी के सरफेस के ऊपर या अंदर रहता हो और उससे खुराक और शेल्टर हासिल करता हो ठीक है न जबकि वो उस होस्ट को कुछ फ़ायदा ना पहुंचाता हो बल्कि उसको नुकसान पहुंचा सकता हो तो इस तरह के ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहेंगे पैरासाइट कहेंगे ठीक है ना अब पैरासाइट और पैथोजन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है इनमें डिफरेंस ये है कि पैथोजिन जो है ना ये आप लोगों के माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं जबकि पैरासाइट जो है ना ये ऑलवेज़ क्या होंगे माइक्रोस्कोपिक होंगे ठीक है ना पैरासाइट की एग्ज़ैम्पल्स क्या हैं पैरासाइट में आप लोगों के आ जाते हैं प्रोटोजोज आते हैं और हेलमेंथीज आते हैं ठीक है ना प्रोटोजोज में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं एमिबा आ गया पैरामेशम आ गया यूगलना हो गया प्लाज्मोडियम आ गया ठीक है ना और हेलमेंथीज में क्या गया? आ गया उसमें राउंड वर्म हो गया होक वर्म हो गया आ, प्लेथी हेलमेंतीस हो गया टिक्स हो गए लाइज हो गया और माइट्स हो गया ठीक है ना ये सारे किस में आ गए हैं ये आप लोगों के हेलमेंथीज में आ गए हैं ठीक है ना तो पैरासाइट एक्चुअली हम उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उनके सरफेस के ऊपर रहते हों और वहाँ से खुराक हासिल करते हों ठीक है ना और ये पैरासाइट डिजीज काज कर भी सकते हैं और नहीं भी काज कर सकते हैं ठीक है ना तो बात क्या हुई आल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन ठीक है ना, ना? बल्कि फ्यू पैरासाइट्स आर पैथोजन ठीक है ना जो डिजीज़ काज कर सकते हैं जैसा कि प्लाज्मोडियम प्लाजमोडियम इज अ पेरासाइट दैट काज मलेरिया इसी तरह ठीक है ना जो एमिबा है एमिबा इज अ पैरासाइट दैट काज एमोबिक डाइसेंट्री सही है अब नेक्स्ट टर्म जो है ना दैट इज सेप्रोफाइट ठीक है ना सो so सेप्रोफाइट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे सेप्रोफाइट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम दैट ऑबटेन देअर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर तो सेप्रोफाइट हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं उस तरह के ऑर्गेनिजम को हम सेप्रोफाइट कहते हैं ठीक है ना अब सेप्रोफाइट की एग्जांपल क्या है सेप्रोफाइट में फनजाए और कुछ बैक्टेरियाज आते हैं ठीक है ना अब बैक्टीरिया की एक्चुअली क्या है तीन कैटेगरीज़ हैं ठीक है ना पैरासाइटिक बैक्टीरिया ठीक है ना ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं ठीक है ना और उनको उन उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ठीक है ना और सेकंड जो टाइप है वो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज हैं ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक डेट आर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं ठीक है ना अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना ये एक्चुअली अपना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को यूज करते हैं ये अपने एंजाइम्स को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये एंजाइम्स उन कम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मालिक्यूल में और फिर इन सिंपल मालिक्यूल को इन सेप्रोफाइटिकर्गेजम्स की जो सेलवाल ना वो अपने सेलवाल के थ्रू क्या करते हैं एबजर्व करते हैं ठीक है ना तो सिंपली क्या हुआ सेप्रोफाइटिकर्गनिज्म या सेप्रोफाइट हम उन ऑर्गेनिज़म को कहते हैं जो अपनी खुराक जो है ना दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं इनके एग्जांपल्स में फजाई और सर्टेन बैक्टीरियाज आ गए ठीक है ना अब कौन से बैक्टीरियाज हैं जो से हैं उसमें कोलाई आ जाता है और स्पायरोचीटा आता है ठीक है ना अब इसके बाद मैंने बताया था कि सेप्रोफाइटिकर्गेनिज्म जो है ना वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को यूज करेंगे वो अपने एंजाइम्स को बॉडी से बाहर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज कर देंगे ये एंजाइम्स आप लोग के कम्प्लेक्स फूड मालिक्यूल को सिंपल फूड मालिक्यूल को में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ये जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म हैं अपने सेल वाल के थ्रू इन खुराक को क्या कर लेंगे ऑब्जर्व कर लेंगे अब नेक्स्ट टर्म जो है ना वो क्या है नॉर्मल फ्लोरा है ठीक है ना अब नॉर्मल फ्लोरा एक्चुअली क्या है नॉर्मल फ्लोरा को हम डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल फ्लोरा एज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई ठीक है ना अब बैक्टीरिया और फंजाई पर मुश्तमिल होते हैं ये रेगुलरली पाए जाते हैं आपके बॉडी के डिफरेंट साइड्स में ठीक है नॉर्मल ना? ना? कंडीशन में तो नॉर्मल फ्लोरा क्या हुआ नॉर्मल फ्लोरा इज ए माइक्रोब्स आर मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक है ना नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों के ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एनाटॉमिकल साइड्स पे पाए जाते हैं जिस तरह के आप लोग के स्किन के ऊपर नार्मल फ्लोरा पाए जाते हैं आप लोगों के uh, रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं आप लोगों के जीआईटी ट्रैक में पाए जाते हैं आप लोगों के यूरिनरी ट्रैक में पाए जाते हैं ठीक है ना अब नॉर्मल कंडीशन में ये जो नॉर्मल फ्लोराज हैं ना ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके बॉडी में डिजीज काज नहीं करते है, ठीक है ना जबकि आप लोग की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए किसी दूसरी डिजीज़ या इन्फेक्शन की वजह से तो उस वक्त ये नॉर्मल फ्लोरा जो है ना ये पैथोजेनिक बन जाते हैं ठीक है ना अब ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ना ये एक्चुअली आपकी बॉडी के साथ सेम्बाटिक रिलेशनशिप बनाते हैं सेम्बाटिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप को बताते हैं जो बेनिफिशियल हो ठीक है ना इसमें ये जो नॉर्मल फ्लोराज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये आप लोगों की बॉडी से फूड और शेल्टर लेते हैं और आपकी बॉडी को भी फायदा पहुंचाते हैं ठीक है ना तो उस इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बाटिक रिलेशनशिप कहते हैं ठीक है ना अब ये नॉर्मल फ्लोरा का फंक्शन क्या है नॉर्मल फ्लोरा जो है ना आप लोगों की फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं ठीक है ना कुछ विटामिन हैं उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं जिस तरह विटामिन के और विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है ना फिर ये विटामिन आप लोगों की बॉडी एज ए न्यूट्रन क्या कर देती है एब्जर्व कर देती है ठीक है ना इसके अलावा ये आप लोगों की सेल uh, uh, को भी स्टिमुलेट करते हैं ठीक है ना फार मेचोरेशन ठीक है ना अब नेक्स्ट फंक्शन जो है ना वो क्या है नॉर्मल फ्लोरा एक्चुअली क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं कोलोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पैथोजन ठीक है uh, pathogen, ना बाई कम्पीटिंग फार अटैचमेंट एंड न्यूट्रिय ठीक है ना तो क्या हुआ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आप लोग के दूसरे जो पैथोजें हैं उनकी कोलोनाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं बाई कम्पीटिंग फार अटैचमेंट टू द साइड एंड न्यूट्रेंट्स ठीक है ना अब ना ये नॉर्मल फ्लोरा आपकी बाडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैंने बताया था ये आपके स्किन में पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं यूरिनरी ट्रैक में पाए जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं ठीक है ना फिर मैंने बताया था कि नॉर्मल फ्लोरा जो है ना इज नॉट पैथोजेनिक इन नॉर्मल कंडीशन बट व्हेन योर इम्यून सिस्टम बिकम वीक ड्यू टू एनी अदर इन्फेक्शन एट दैट टाइम दीज नॉर्मल फ्लोरा बिकम्स पैथोजेनिक ठीक है ना ये नॉर्मल फ्लोरा फिर क्या हो जाते हैं पैथोजेनिक हो जाते हैं ठीक है ना उसके बाद जो टर्म uh, है दैट इज वैक्टर ठीक है ना अब वैक्टर क्या है इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन आर एनिमल टू एन एनदर पर्सन आर एनिमल ठीक है न तो सिंपल बात क्या होगी वैक्टर ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम होगा ठीक है न पर्सन भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है जो पैथोजन को किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन uh, या इन्फेक्टेड एनिमल से ट्रांसमिट करेगा टू एनअर हेल्दी पर्सन या एनिमल ठीक है ना इस तरह के हम ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं वेक्टर कहते हैं ठीक है ना अब वेक्टर की एग्जांपल्स क्या क्या है वेक्टर्स के अंदर मोस्टली आर्थ्रोपोड्स आते हैं जिस तरह मस्किटो हो गए टिक्स हो गए फ्लाइज हो गई लाइस हो गई ठीक है ना ये सारी एग्जांपल्स हैं किसके वेक्टर्स के ठीक है ना अब एक्चुअली वेक्टर्स की आप लोगों की दो टाइप्स हैं ठीक है ना वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं दो टाइप्स हैं एक मैकेनिकल वेक्टर है और दूसरा बायोलॉजिकल वेक्टर है ठीक है ना तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मैकेनिकल वेक्टर ठीक है ना तो मैकेनिकल वैक्टर जो है ना दे पिक्स अप एन इन्फेक्शन एजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी सर्फेस एंड ट्रांसफर टू अदर पर्सन थ्रू फिजिकली तो सिंपली क्या हुआ मैकेनिकल वेक्टर्स हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो इन्फेक्शस एजेंट को अपने बॉडी सरफेस के थ्रू पिक करते हों ठीक है ना और उसको ट्रांसमिट करते हों किसी दूसरे आर्गेनिज्म तक ठीक है ना तो उस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे मैकेनिकल वेक्टर ठीक है ना तो सिंपली देख लें यहाँ पे जो माइक्रो आर्गेनिजम्स हैं या जो पैथोजें हैं वो वेक्टर के बॉडी के सरफेस के ऊपर अटैच होंगे ठीक है ना और ये फिर किसी दूसरे पर्सन या एनिमल तक लेके जाएंगे ठीक है ना तो इस तरह के वेक्टर्स को हम मैकेनिकल वेक्टर्स कहते हैं अब इसमें एग्जांपल क्या है हाउस फ्लाई ठीक है ना अब हाउस फ्लाई क्या करते हैं कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड आइटम्स के ऊपर बैठते हैं जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस जो है ना उनके बाड़ी के साथ अटैच हो जाते हैं फिर ये हाउस फ्लाई जाके किसी दूसरी पर्सन के बाड़ी के ऊपर बैठ जाए ठीक है ना तो ये उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को तो वहाँ तक लेके जाते हैं ठीक है ना तो इसमें हुआ क्या जो पैथोजेंस हैं उस उन मास्किटो के या उस हाउस फ्लाई के बॉडी के वो साथ अटैच हो जाते हैं और जब दोबारा जाके किसी दूसरे पर्सन के ऊपर या फूड आइटम के ऊपर बैठते हैं तो ये वहाँ तक लेके जाते हैं ठीक है ना तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं या इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं मैकेनिकल वैक्टर ठीक है ना अब सेकेंड टाइप जो है ना वो क्या है बायोलॉजिकल वैक्टर अब बायोलॉजिकल uh, वैक्टर हमने क्या कहा बायोलॉजिकल वैक्टर्स जो है ना एन आर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट अ पैथोजन फ्राम रिजर्वा टू द होस्ट ठीक है ना अब एक्चुअली बायोलॉजिकल वेक्टर में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे ठीक है ना, वो क्या करेंगे पैथोजन को रिजर्वायर से होस्ट तक लेके जाएंगे अब इसमें होता ये है कि यहाँ पे सिर्फ फिज़िकली कंटेक्ट नहीं होता ठीक है ना बायोलॉजिकल वेक्टर का पैथोजन के साथ बल्कि ये जो पैथोजन हैं ये बायोलॉजिकल वेक्टर के बॉडी के अंदर क्या होते हैं इनकी डेवलपमेंट होती है और इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है ठीक है ना तो सिंपल सी बात क्या हो गई बायोलॉजिकल वेक्टर्स जो है ना आप लोगों के पैथोजेंस को अपनी बाडी के अंदर लेके जाएंगे और उनकी बाडी के अंदर इन पैथोजेंस की डेवलपमेंट होगी और इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी ठीक है ना तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स अब बायोलॉजिकल वेक्टर्स के में एग्जांपल्स क्या किसकी आती हैं मॉस्कीटोज और टिक्स की आती हैं ठीक है ना जिस तरह हमने बात की थी फीमेल एनाफेलिस मास्कीटो वो क्या करती है प्लाज्मोडियम को इंगल्फ करती है इंगल्फ करने के बाद ये प्लाज्मोडियम इस फीमेल एनाफेलिस मास्कीटो की बॉडी के अंदर इसकी क्या होती है डेवलपमेंट होती है और इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है ठीक है ना उसके बाद जाके ये अब ये मास्कीटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटती है तो ये अपने सिला के थ्रू उसके ब्लड के अंदर इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है ठीक है ना तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर कहते हैं ठीक है अब नेक्स्ट टर्म जो है ना वो क्या कैरियर है अब कैरियर जो है ना ये एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा ठीक है ना जिसमें अभी तक कोई मतलब साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए होंगे लेकिन ये बंदा एक पोटेंशियल सोर्स होगा फॉर इन्फेक्शन टू काज इन्फेक्शन टू द अदर ठीक है ना तो कैरियर इज एक्चुअली एन इन्फेक्टेड पर्सन ठीक है ना दैट कैन ट्रांसफर एन इन्फेक्शन टू अदर हेल्दी पर्सन ठीक है ना वो तो उस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन को हम क्या कहेंगे कैरियर कहेंगे ठीक है ना अब कैरियर और वेक्टर में क्या फ़र्क है कैरियर और वेक्टर में ये फ़र्क है कि वेक्टर इट्स सेल्फ इन्फेक्टेड नहीं होगा वो जस्ट पैथोजन को एक इन्फेक्टेड आर्ग, ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसमिट करेगा ठीक है ना जबकि कैरियर के जो है ना ये इट्स सेल्फ इन्फेक्टेड होगा लेकिन इसमें अभी तक क्लिनिकल साइंस सिम्टम अपीयर नहीं होंगे ठीक है ना लेकिन ये एक पोटेंशियल सोर्स होगा फॉर इन्फेक्शन ठीक है ना तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं कैरियर कहते हैं अब नेक्स्ट जो है ना वो क्या है इन्फेक्शन है अब एक्चुअली इन्फेक्शन को हम डिफाइन किस तरह करते हैं द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज नोन एज इन्फेक्शन ठीक है ना जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो तो इसको हम क्या कहेंगे सिंपली इन्फेक्शन कहेंगे अब नेक्स्ट जो है ना वो क्या है इंट्यूबेशन पीरियड अब इंक्यूबेशन पीरियड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे इट्स एक्चुअली अ पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द बॉडी टिल द साइन एंड सिम्टम्स अपीयर इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड तो इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन से लेकर फर्स्ट क्लिनिकल साइन सिम्टम अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम एंटर हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे इन्फेक्शन अब इस एंटर्स होने से लेकर ठीक है ना जब तक साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं तब तक के दौरानियों को हम क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं ठीक है ना अब उसके बाद क्या है प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस को किस तरह डिफाइन करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ द डिजीज उसको हम क्या कहेंगे प्रोडक्शन कहेंगे नेक्स्ट जो है ना वो क्या, epidemiology. Epidemiology क्या है एपिडीमियालॉजी अब एपिडीमियालॉजी क्या हैलोजी इज एक्चुअली द स्टडी अबाउट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रेंस ऑफ डिजीज ठीक है ना उसको हम क्या कहते हैं एपिडेमियालॉजी कहते हैं ठीक है ना कि डिजीज़ जो है ना कब कहाँ और कैसे पाई जाती है कम्युनिटी के अंदर ठीक है ना तो उसको हम क्या कहते हैं अपीडीमियालॉजी कहते हैं अब उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एपिडेमिक डिजीज एपिडेमिक डिजीज किसको कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़ जो है ना ये जब किसी एरिया uh, में किसी रीजन ऑफ द कंट्री में सडन आउटब्रेक हो डिजीज़ का तो उसको हम क्या कहेंगे एपिडेमिक डिजीज कहेंगे ठीक है ना एन अनयूजल सडन वन सेट ऑफ डिजीज विच ब्रेक्स आउट इन अ रीजन ऑफ ए कंट्री इज़ कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज ठीक है ना तो एपिडेमिक डिजीज सडनली अब कंट्री के किसी रीजन में ठीक है ना डिजीज आउटब्रेक हो बहुत ज़्यादा केसेस आ जाए ठीक है ना तो उसको हम क्या कहेंगे एपिडेमिक डिजीज़ कहेंगे ठीक है ना जिस तरह उसने एग्जांपल दी है कॉलरा की अब उसके बाद एंडेमिक डिजीज़ है एंडेमिक डिजीज़ क्या है ऐसी डिजीज़ को कहेंगे जो यूजुअली पाई जाती है आप लोगों की कम्युनिटी में ठीक है ना उस तरह की डिजीज़ को हम क्या कहते हैं एंडेमिक डिजीज़ ठीक है डिजीज, ना जिसकी एग्जाम्पल क्या है टाइफाइड उसके बाद क्या है पेंडेमिक डिजीज़ ठीक है ना जब आप लोगों की एपिडेमिक डिजीज़ जो है ना स्प्रेड हो जाए वर्ल्ड वाइड उसको हम क्या कहते हैं पेंडेमिक डिजीज़ अब स्पोरडिक डिजीज़ को कहते हैं ऐसी डिजीज़ जो पाई जाए ठीक है ना मुख्तलफ़ जगह पर ठीक है ना अ डिज़ीज़ विच इज़ फाउंड हेयर एंड देयर एट इंटरवल्स ठीक है ना जो वक्फे वक्फे के साथ ठीक है ना पाई जाए उनको हम क्या कहते हैं स्पोर्टिक डिज़ीज़ कहते हैं अब इसके बाद जो टर्म है वो क्या आइसोलेशन अब एक्चुअली आइसोलेशन का क्या मतलब है आइसोलेशन का मतलब ये है कि जब हम इन्फेक्टिड पर्सन को क्या कर लेते हैं सेपरेट कर देते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ कम्यूनिकबलिटी ऑफ द डिज़ीज़ ठीक है ना उस वक्त तक उस बंदे को हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं दूसरे लोगों से जब तक उसके अंदर डिजीज सेपरेटिंग की सलाहियत हो ठीक है ना तो उस आ, उस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं आइसोलेशन ठीक है ना अब सेकंड टर्म जो है ना वो क्या है क्वारंटाइन अब क्वारंटाइन क्या है क्वारंटाइन इज एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ द मूमेंट्स ऑफ ए अपरिंग वेल पर्सन आर एनिमल्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब क्वारंटाइन हम उससे कहेंगे जब हम किसी ऐसे बंदे की मूवमेंट्स को हम लिमिट्स कर दें जो एक्सपोज हुआ हो किसको किसी इन्फेक्शियस एजेंट को ठीक है ना जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ठीक है ना किसी दूसरे कोविड पॉजिटिव बंदे ए, के करीब गया हो या कि उसके साथ हाथ मिलाया हो या बैठ के खाना खाया हो तो अब ये बंदा जो है ना क्या हुआ एक्सपोज हुआ है अब एक्सपोज होने के बाद अगर उस बंदे को या उसकी मूवमेंट्स को लिमिट लिमिट कर दें ठीक है ना तो इस तरह की लिमिटेशन को हम क्या कहेंगे क्वारंटाइन कहेंगे अब उसके बाद क्या है इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन इज़ एक्चुअली अ बॉडी रिस्पांस टू द इन्फेक्शन ठीक है ना या इंजरी जिसमें क्या क्या होता है आपकी बॉडी में अंदर स्वेलिंग होती है आपके बॉडी के वो एरिया क्या होता है हार्ट होता है रेडनेस होती है और पेन होती है ठीक है ना इसको हम क्या कहते हैं इन्फ्लेन ठीक है ना तो सिंपली इन्फ्लेमेशन क्या हुआ इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द इन्फेक्शन ठीक है ना अब इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम्स क्या हैं स्वेलिंग होगी रेडनेस होगी पेन होगी और आ, वो, वो जगह गर्म होगी नेक्स्ट जो है ना वो क्या है पैथोजेनिस्टी पैथोजेस्ट इज एक्चुअली एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू काज डिजीज डिजीज काज करने की जो सलाहियत है उसको तो हम पैथोजेनिस्टी तो कहते हैं नेक्स्ट हम जो है ना कि वायरुलेंसी वायरुलेंसी क्या है इंटेंसिटी लेवल ऑफ ठीक है है ना एक जो है ना जिसके अंदर डिजीज काज करने की है वो कितना खतरनाक है ठीक है ना उसको हम वायरुलेंसी कहते हैं अब उसके बाद क्या टॉक्सिन टॉक्सिन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे जो करते उनको हम टॉक्सिन कहते हैं ठीक है ना नेक्स्ट टर्म जो है ना वो क्या है टाक्सिकन टाक्सिकन इज एक्चुअली अ पॉइजन सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय मैन ठीक है ना जब आ, इंडस्ट्रीज में लेबोरेटरीज में ठीक है ना जब ह्यूमन बीइंग खुद एक पॉइजनस को जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं तो उस तरह के पॉइजनस को हम क्या कहेंगे टागजिकन ठीक है ना जबकि टागजन जो है ना जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ठीक है ना क्या करें प्रोड्यूस करें पॉइजन्स को तो उसको हम टागजन्स कहते हैं जबकि टाक्जिकन्स जब मेन इंसान जो है ना वो खुद लेबॉर्टरी में पॉइजन बनाए या पॉइजनस सब्सटेंस बनाए तो उसको हम टाक्जिकन्स कहेंगे अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो क्या एंटीजन है एंटीजन जो है ना आ, हम किसको कहते हैं एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट द इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है ना तो ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो प्रोटीन पे मुश्तमिल हो और जो आप लोग के इम्यून सिस्टम को स्टमुलेट कर सकता हो तो उस प्रोटीन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे एंटीजन कहेंगे अब नेक्स्ट हम जो है ना वो क्या एंटीबॉडीज़ अब एंटीबॉडीज़ क्या है एंटीबॉडीज़ एक्चुअली प्रोटीन पर मुश्तम होती हैं जो बनती हैं आपके बॉडी में इन रिस्पांस टू एन एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एंटीजन एंटर होता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो एंटीबॉडीज़ बनाता है अब एंटी है? ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं ये प्रोटीनिश इन नेचर हैं अब नेक्स्ट टर्म जो है ना वो स्टेरलाइजेशन है स्टीरलाइजेशन एक्चुअली क्या है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम फॉर्म ऑफ माइक्रोआर्गनिज्म को हम किल करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टेरलाइजेशन ठीक है ना